मेरे को तो बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये टूल बहुत ही अमेजिंग है, अमेजिंग। कुछ भी ऑब्जेक्ट लेना है, ओके मैं यहाँ पे सेप ले रहा हूँ, जो भी पैटर्न है, आई थिंक दिस वन, वन इज दिस एंड वन इज दिस वन एंड आल्सो विल टेक दिस वन। तो अगर चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में से उठा सकते हैं। अभी इलस्ट्रेटर ने बहुत ही एक अपडेट दिया है कि जिसमें भी आपको शेप्स या फिर लाइक रेट्रो स्टाइल में डिजाइन सभी ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे चार पांच ऑब्जेक्ट हो चुका है, आई थिंक ये बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसको लेके आते हैं फ्लावर को। ओके अब सिर्फ टूल करके ये छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे पाथ ऑन ऑब्जेक्ट टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके सो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरीके से यूज होता है, या फिर मतलब क्विक इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको डिस्मिस कर देता हूँ। और पेन टूल आप यूज कर सकते हैं, सर्कल भी ऐड ऑन करके दिखाऊंगा। तो एक इस तरीके से जिगजैग लाइन बना रहा हूँ। ओके अब इसको क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ओके, और ऑब्जेक्ट ऑन पाथ में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन होगा। इसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया। अब इससे क्या होता है, देखिए रोटेशन, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करते थे ना 360, इस तरीके से रोटेट होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसको क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसको मूव कर सकते हैं। ओके तो पास में ही मूव होगा, सो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट है पीछे आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज, ये बार दिख रहा है ना, इसके जरिए आप इसको स्लाइडली ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके और इसका डायरेक्शन जैसे आपको चेंज करना है तो यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई देगा कि कितना डिग्री आपको चेंज करना है। सपोज थिंक कि मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री प्रोपोर्शनली ये कर देगा, प्रोपोर्शनली तो नहीं है आई थिंक। एंड इसका ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको बॉक्स, ये जो बॉक्स जैसे ट्रांसफॉर्म में रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स एंड डिस्टोर्शन एंड ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स आता है। तो इसी तरीके से सेम वर्क करता है ये बॉक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट टॉप में क्लिक करता हूँ तो ये राइट तरीके से अलाइन होगा। अगर मैं यहाँ पे अपर करता हूँ, अपर से अलाइन होगा। देख रहे हैं ये बॉक्स भी शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट पे करता हूँ तो लेफ्ट में आ रहा है, इसके लिए इसको सेंटर पे रहने देते हैं। तो बेसिक यूज ये है, कॉन्टेक्स्ट बार को थोड़ा नीचे कर देते हैं। एंड अगर आपको मान लीजिए शेप को थोड़ा सा बड़ा करना है, ओके सपोज थिंग कि ये शेप, इसको क्लिक करते हुए डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। ओके एंड अगेन शिफ्ट और कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड कर रहा हूँ। ओके ये फिर भी मतलब उसके साथ अलाइन रहेगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी यूज ऑब्जेक्ट ऑन पाथ। तो इस तरीके से ये चीज़ यूज होता है। तो आपको ये अपडेट भी बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि मल्टी जो ऑब्जेक्ट में हम लोग काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स लगाना होता है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं इसको अगेन इसको यहाँ से इधर लेके आता हूँ। ओके अब सर्कल में ट्राई करते हैं। ओके सर्कल में कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। एंड अगेन मैं इसको भी लेके आ रहा हूँ, इसको सही शेप को लेके आ रहा हूँ, इस शेप को लेके आ रहा हूँ एंड फ्लावर को लेके आ रहा हूँ। ओके अब देखिए इसको थोड़ा सा तो छोटा करना, शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ। अब एक सर्कल ले लेते हैं, एम प्रेस भी कर सकते हैं आप और एल भी प्रेस कर सकते हैं। ओके और रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा कर लेता हूँ, मैं बॉक्स ले रहा हूँ, तो इसको सर्कल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, तो अभी मैं बताऊँगा। इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं एंड अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल में जाते हैं यार। आई थिंक इसका शॉर्टकट भी होगा, तो आई थिंक अभी शॉर्टकट क्रिएट नहीं किया है एडोबी वाले ने, तो शॉर्टकट भी बना लेंगे शायद। तो ऐसे क्लिक करने से देखिए अभी कॉर्नर पे गए हैं। ओके अब मानिए सपोज कि मैं इसको, अब जो पाथ है हमारा बॉक्स है उसको मैं रेक्टेंगल में करना चाहता हूँ, उसको रेक्टेंगल में करूँगा तो वो भी प्रोपोर्शनली चेंज होगा। तो आई होप आप लोग को ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये टूल बहुत ही अमेजिंग है, अमेजिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।